मेहता से भी आपकी बात करा दी कि अपलोड करने के लिए क्या तरीका है, कैसे कैसे डाला जाएगा, जहां मेरा कैसेट लगा हुआ है उन्होंने सारा तरीका इनको बता दिया है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने भारत भर में 300 विद्यार्थी अब तक तैयार किया हूं, ऐसे ऐसे नौजवान विद्यार्थी जो कंप्यूटर में काम करने वाले हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई एमटेक किए हुए हैं, कोई बीटेक किए हैं, इस तरीके से मैंने उन लोगों को खड़ा किया, उन लोगों को तैयार किया। मैं उन आर्य समाजियों को परवाह नहीं किया, न करता हूं न करूंगा। मैंने अपने सिद्धांत अनुसार सिद्धांतों का प्रचार, ऋषि व देव दयानंद के उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मैं जीवन दिया हूँ इसी काम के लिए। मैं अपने दो बेटों का भी जीवन सौंप रखता हूँ इसी काम के लिए आर्य मिशन में। इसीलिए बंधु याद रखना, जो काम सार्वजनिक सभा का था वो काम मैं अपने इंटरनेट के माध्यम से, जो चौधरी का चांद जो दुर्लभ पुस्तक है, जो पुस्तक सत्य प्रकाश के जवाब में मौलाना सनाउल्लाह ने लिखा था हक प्रकाश, उस हक प्रकाश का जवाब पंडित चौपति एम ए ने चौधरी के चांद नाम पुस्तक को लिख करके दिया है। इस्लाम वालों के तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। सलामत तक ये जवाब नहीं दे सकते। वो दोनों चौधरी की यानी उर्दू और हिंदी दोनों को ही मैंने इंटरनेट पर लगा रखा है। इंटरनेट के माध्यम से चौधरी का चांद नाम पुस्तक का मैं प्रचार कर रहा हूँ। हमारे 300 विद्यार्थी लगे हुए, जिस भाई को देखना होगा मेरे इंटरनेट पे देख लेना। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये सारा काम ऋषि मिशन के लिए हो रहा है, ये सारा काम वैदिक सिद्धांत के प्रचार के लिए हो रहा है। यहाँ कोई पद गौरवता वाली बात नहीं है। मैं सार्वजनिक सभा का प्रधान बनना नहीं चाहता, मैं प्रांतीय सभा का प्रधान बनना नहीं चाहता, मैं छोटा सा आर्य समाज का मेंबर भी नहीं हूँ, और मेंबर मैं इसलिए नहीं हूँ, कुछ भी मैं मेंबर बना था एक समाज में, लेकिन वहां से मैंने मेंबरशिप को खत्म इसलिए किया। हमें कहा गया कि पंडित जी इस बार आप प्रधानमंत्री बन जाइए। मैंने कहा अरे मैं राष्ट्रीय स्तर का वक्ता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनूं? तो मुझ में लोभ हुआ। मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री के बजाय समाज का मंत्री हमें बनना चाहिए। फिर मैं अपने आप को समझाया कि बेटा अब तू लोभी बन रहा है, हट जल्दी यहाँ से। अब प्रधानमंत्री तू बनाया जा रहा है, अब तू मंत्री के लिए सोच रहा है, तू फिर कहेगा कि हमें प्रांतीय सभा में जाना चाहिए, तू फिर बोलेगा हमें सार्वदेशिक में जाना चाहिए, जल्दी हट यहाँ से। मैं त्याग पत्र दिया, मैं उस मेंबरशिप को खत्म करा दिया। आर्यपुरा आर्य समाज का राष्ट्रीय के समाज का मैं सदस्य रहा। तो बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सारा काम निष्काम भाव से किया जा रहा है, लेकिन आज आर्य समाज का अधिकारी सब कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, सभा को बेच खा रहे हैं, सर्वऋषि को भी बेच दिया। इस 4 वर्षों के अंदर में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा अनिवेश नामी चिड़िया ने खाया है। मैं क्या बताऊं आपको, जिसको मैं केस का हैंडल किया हूं, इसलिए भली भांति मैं जानता हूं कहां कहां क्या हुआ है। सुनामी लहर का 35 लाख रुपया जमा था, उस 35 लाख नाला के बच्चे ने उड़ाया। मैं क्या बताऊं, मैं जितना बताऊंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। इसलिए बंधु मैंने निवेदन किया कि मुसलमान अगर मांसाहार करता है तो मुसलमान मांसाहार करने के लिए, मैंने उस जाकिर नाइक से कहा कि जाकिर नाइक की वे किताब है, जाकिर नाइक ने कहा है कि हम लोग मांसाहार इसलिए करते हैं कि गौ शांति प्रिय पशु है। क्या बोला उसने, गौ शांति प्रिय पशु है, इसलिए हम लोग शांति प्रिय बनना चाहते हैं। तो उसके जवाब में मैंने इंटरनेट पर डाला कि गौ शांति प्रिय पशु है, अब तक आप मांस खाते आ रहे हैं, अब तक शांति प्रिय नहीं बन पाए, तो कुछ दिन बदल करके देख लीजिए। कुछ दिन बदल करके देख लीजिए, वो भी उधर नहीं बचाता जो अल्लाह ने कुरान में वर्दमा वाला हमारे इंजील लिखा है। भले ही आप नाम न लें, लेकिन अल्लाह ने तो साफ लिखा है। कल मैं बोला भी था, मैंने निवेदन किया कि इंटरनेट के माध्यम से मैंने सबको निरुत्तर कर रखा है, आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया, और जवाब कयामत तक मैं समय छोड़ रखा हूं। कयामत तक मैं समझ गया हूं कि हो सके तो कयामत से पहले पहले जवाब दे देना, और कयामत से पहले जवाब क्या देंगे, ये कई जन्मों में भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ऋषि दयानंद ने वो जो प्रमाण दिया वो सारा अकाट्य प्रमाण है, उस प्रमाण को काटने के लिए किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने निवेदन किया कि इस सच्चाई का उजागर केवल ऋषि ने किया है, पर जो लोग ये कहते हैं कि हमें गाय खाना है, अभी कल मैं बताया भी था कि 28 नवंबर आने वाला दिन बकरीद वाला दिन आ रहा है, उस दिन में कुर्बानी लोग करेंगे, और कुर्बानी किया जाएगा अल्लाह के नाम से, किस अल्लाह के नाम से, जिस अल्लाह के लिए कहा जाता है कि अल्लाह रहम करने वाला मेहरबान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
और रहमान रहीम बताया जा रहा है कुरान के अंदर में। सूरह फातिहा की दूसरी आयत में अल्लाह ने बताया कि वो रहम करने वाला मेहरबान है। और बंदो मैं निवेदन कर रहा हूँ, अल्लाह का रहम करने वाला होगा, अल्लाह का रहम करने वाला होता तो उन पशुओं पर भी रहम करता जिन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है। क्या उसको भुजुरी लग रही जो ऐसा ऐसे चला रहे? पर कुरान में अल्लाह ने चार चीजों को खाना हराम करार दिया है। चार चीज खाना हराम है मुसलमानों के लिए, इस्लाम वालों के लिए। सूरह बकर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم। अल्लाह ने जिक्र फरमाया, انما حرم عليكم الميتة ये हराम किया गया तुम्हारा लिए मरा हुआ जानवर। चार कौन कौन सा हराम है देखिए, मरा हुआ जानवर और जमा हुआ खून, सुअर का गोश्त, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के नाम से जबा किया जावे, यानी किसी पीर मुर्शिद वली गाजी हाजी और पाजी के ही नाम से जबा क्यों ना किया गया हो, ऐसों का गोश्त खाना हराम है। लेकिन पहला शब्द आया है हराम किया गया तुम्हारा लिए मरा हुआ जानवर, मरा हुआ। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत शब्द आया है, हराम किया गया मरा हुआ। अब मरा का परिभाषा क्या है, आप हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे, मरा का डेफिनेशन क्या है? मर गया हो नहीं, नहीं मर गया होगा क्या मतलब? हमारे पीछे से एक सज्जन ने कहा, जिसके अंदर से प्राण निकल गया हो वो क्या है? मरा हुआ। आनंद लीजिएगा जरा, लुत्फ उठाना कि जिसमें प्राण न हो वो मरा है। हमने यहां से एक मुर्गा को छोड़ा सड़क के ऊपर, आपके राजमार्ग में ही आ गया। अंदाजा लगाइए, आप तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से आपके सड़कें भी चौड़ी हो गई, लंबी हो गई। तो मुर्गा आ गया किसी गाड़ी के पहिए के नीचे, मुर्गा आ गया उसके अंदर से आत्मा निकल गई, वो मुर्गा क्या है? आपके पड़ोस में ही नदी है, नदी में मुर्गा बह गया उसके अंदर से आत्मा निकल गई, वो मुर्गा क्या है? और रेल के पटरी के नीचे मुर्गा आ गया उसके अंदर से आत्मा निकल चुकी, वो मुर्गा क्या है? किसी ने पेट में छुरी भोंक दिया उसके अंदर से आत्मा निकल गई, वो मुर्गा क्या है? किसी ने गर्दन के तरफ से एक तलवार की चोट लगाई, गर्दन को अलग कर दिया उसके अंदर से आत्मा निकल गई, वो मुर्गा क्या है? किसी ने एक तेज छुरी को लिया, गले के तरफ से आहिस्ता आहिस्ता चलाकर दो नली को काटा, एक खाद्य नली दूसरा प्राण नली, दो नली को काटने के बाद उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है या रहती है? आत्मा निकल जाने का नाम क्या बोला आप लोगों ने? तो आत्मा निकल जाने का नाम अगर मरा है तो कौन कहता है कि हम हलाल खाते हैं? तुम हराम ही होगा, हर हालात में हलाल होगा ही नहीं। जिंदा खाया नहीं जाता और मुर्दा खाना हराम है। और मुर्दा का परिभाषा ही यही है जिसमें सोल ना हो, आत्मा ना हो, प्राण ना हो, उसको मुर्दा कहा जाता है। हर हालात में मुर्दा मरा होगा। ये चार चीज खाना हराम करार दिया है, इसलिए चारों चीजों को खाना हराम करार दिया है। तो जब मरा हुआ खाना हराम है, आप खाते कब है कि जिंदा अवस्था में तो खाया जाता नहीं, काट करके खाना पड़ेगा। तो काटेंगे तब भी तो उसके अंदर से आत्मा निकल जाएगी या रही उसमें आत्मा निकल जाएगी? तो आत्मा निकल जाने का नाम क्या होगा? मरा हुआ। जब आत्मा निकल जाने का नाम मरा है तो फिर हलाल कैसे हुआ? हलाल हुआ कैसे? तो ये कहते हैं कि नहीं, हम वहां जमा हुआ खून एक साथ काटेंगे, एक बार चोट लगा करके गर्दन को अलग कर देंगे तो खून जम जाएगा, इसीलिए हराम होगा। इसीलिए हम आहिस्ता आहिस्ता गला को काटते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गला को काटते हैं, खाद्य नली और प्राण नली दो नली को काटने से क्या होता है कि खून आहिस्ता आहिस्ता सारा निकल जाता है। तो सारा खून निकल जाने से हलाल हो जाता है। अरे हलाल और हराम का तो बाद में लेंगे हम, पहले मुर्दा और जिंदा का परिभाषा कर लो।